सर दोस्तों मैं हूं लोकेन्द्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में पद्म पुरस्कार 2021 जो है वो दे किसको दिया जाएगा इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है इसके माध्यम से उन सारे लोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे ये एक लिस्ट है जो प्रोवाइड किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा जिनको जिनको पद्मश्री पद्म भूषण या पद्म विभूषण पुरस्कार मिलेंगे उनकी लिस्ट है ये जारी की गई है अब हम बात करते हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में तो यहाँ पे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दिया है वो आप समझ सकते हैं कि ये जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो भारत में है भारत रत्न कहते हैं उसको उसके बाद से आते हैं ये पद्म पुरस्कार जिसमें कि सबसे पहला है पद्म विभूषण यानी कि अगर हम बात करें प्रिफ्रेंस के ऑर्डर की तो सबसे नंबर वन पे जो है उसको हम कहते हैं भारत रत्न और दूसरे नंबर पे जो है उसको हम कहते हैं पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पे है पद्म भूषण उसके बाद चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री ये सिविलियन अवार्ड्स का प्रिफरेंस अगर आपसे पूछे तो ये आप बता सकते हैं ये अवार्ड्स जो है वो किन कैटेगरीज में दी जाते हैं तो आर्ट हुआ सोशल वर्क हुआ पब्लिक अफेयर्स है साइंस है इंजीनियरिंग है ट्रेड है मेडिसिन है लिटरेचर है एजुकेशन है स्पोर्ट्स है ये सारी एक ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके अंतर्गत ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं ये अवार्ड हर साल कब दिए जाते हैं तो रिपब्लिक डे के अवसर पे दिया जाता है यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पे इन पुरस्कारों को दिया जाता है इनकी घोषणा एक दिन पहले हो जाती है अब इस साल हम बात करें कि, कि किसको किसको मिला है ये पुरस्कार उसके पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिला है तो टोटल एक लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है इसमें एक पुरस्कार जो है वो डुओ है मतलब डुओ का मतलब होता है दो लोगों को दिया गया है और जब दो लोगों को दिया जाता है ना तो उसको भी एक अवार्ड काउंट करते हैं उसको दो अवार्ड काउंट नहीं करते हैं अब सबसे पहला प्रश्न है कि कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है तो कुल सात लोगों को आपको यहां पे सात लोग जो हैं उनको पद्म विभूषण मिला है दस लोगों को पद्म भूषण मिला है एक दो लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है इनमें से महिलाओं की संख्या की अगर हम बात करें तो उनतीस अवार्डी जो हैं वो महिला हैं और दस लोग हैं जो फॉरेनर्स हैं या फिर एन uh, जिसको कहते हैं या पी कहते हैं पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन और 16 लोग ऐसे हैं इसमें जिनको पोस्ट थेमस दिया गया यानी कि मरणोपरा पुरस्कार दिया गया है एक ट्रांसजेंडर भी है इस लिस्ट में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो सात लोग कौन है जिनको कि पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है पहले नंबर पर आते हैं श्री सिंजो आबे अब देखिए सिंजो आबे को पद्म विभूषण भारत में मिला है सिंजो आबे कौन है तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे जापान के थे ये और ये अभी रिटायर हुए हाल ही में तो सिंजो आबे को मिला है उसके बाद से मिला है एसपी पी बाला सुब्रमण्यम साहब को इनको कला के क्षेत्र में मिला है एसपी पी बाला सुब्रमण्यम का नाम आपने सुना होगा हाल फिलहाल में ही उनकी मृत्यु हुई थी तो मरणोपरांत पद्म विभूषण उनको मिला है ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे नेक्स्ट है डॉक्टर मेले मुनप्पा हेगड़े इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं चौथे नंबर पे हैं श्री नरेंद्र सिंह कैपनी ये जो है ये इनको भी मरणोपरांत मिला है साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से मिला है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं मौलाना वहीउद्दीन खान को मिला है स्पिरिचुअलिज्म से संबंधित चीज़ों में और ये दिल्ली के रहने वाले हैं श्री बी बी लाल को मिला है जो आर्कियोलॉजी से संबंधित हैं इतिहास से संबंधित है और ये दिल्ली में रहते हैं उसके बाद श्री श्री सुदर्शन शाहू को मिला है सुदर्शन शाहू जो हैं ये आर्ट से हैं आर्ट के क्षेत्र से हैं और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं जिन दस लोगों को पद्म विभूषण पद्म भूषण मिला है अब उनकी चर्चा करते हैं सबसे पहले नंबर पे है कृष्णम मिस्टर uh, मिस uh, ये देखिए यहाँ पे जो है ना मिस कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा इनको आर्ट आर्ट के लिए मिला है और ये केरल के से बिलोंग करती हैं उसके बाद से मिला है श्री तरुण गोगोई को तरुण गोगोई का नाम आपने सुना होगा और तरुण गोगोई जी को मिला है पोस्ट थामस मिला है मतलब कि ये भी मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है पब्लिक अफेयर्स आसाम से बिलोंग करते हैं श्री चंद्रशेखर कामरा लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड से कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और फिर है सुमित्रा महाजन सुमित्रा महाजन का नाम आपने सुना होगा ये लोकसभा की स्पीकर भी रही हैं और सुमित्रा महाजन को मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं इनको भी ये पुरस्कार मिला है श्री नृपेंद्र मिश्रा देखिए नृपेंद्र मिश्रा जो है इनको सिविल सर्विसेज के लिए मिला है और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं रामविलास पासवान जी को भी पद्म भूषण मिला है और रामविलास पासवान को मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स और बिहार से बिलोंग करते थे ये श्री केशुभाई पटेल देखिए केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनको भी मरणोपरांत मिला है पद्म भूषण श्री कल्बे शादिक देखिए ये नाम बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा आप कि इनको मिलना ही था ये धर्मगुरु थे मुसलमानों के और स्पिरिचुअलिज्म में इनको मिला है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं मौलाना कलबे सादिक साहब उसके बाद आते हैं श्री रजनीकांत देवीदास श्रॉफ ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री से हैं ये रजनीकांत आप वो वाला मत समझिएगा ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं फिर मिला है तारलोचन सिंह को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में हरियाणा से बिलोंग करते हैं अब देखिए पद्मश्री 102 लोगों को मिला है सबका नाम आपको याद नहीं करना है लेकिन आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा ये मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं अभी ग्रुप में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा वहां में भेज रहा हूं इसके साथ साथ कुछ नाम तो आपको याद रखना ही है मैं एक एक करके बता देता हूं दो चार नाम जैसे कि सबसे पहले नंबर पे है श्री गुलफाम अहमद ये गुलफाम अहमद जो है ये आर्ट से संबंधित है और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं फिर है मिस पी अनीता स्पोर्ट्स से संबंधित तमिलनाडु से श्री रामस्वामी ये आर्ट से हैं आंध्र प्रदेश श्री सुब्बू ये हैं आर्ट से तमिलनाडु श्री प्रकाश राव आसवादी ये भी हैं आशावादी ये हैं लिटरेचर और एजुकेशन से आंध्र प्रदेश मिस भूरी बाई आर्ट से हैं मध्य प्रदेश श्री राधे श्याम बारले आर्ट से हैं छत्तीसगढ़ श्री नारायण वर्मा ये जो है वर्मा जी ये लिटरेचर एंड एजुकेशन से हैं वेस्ट बंगाल उसके बाद से मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ महत्वपूर्ण नाम जैसे श्री जगदीश चौधरी का नाम यहाँ देख रहे होंगे आप इनको मरणोपरांत मिला है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं सोशल वर्क के लिए आप अगर किसी स्पेशल स्टेट के एग्जाम को दे रहे हैं तो उस स्टेट से किसको मिला है जरूर आप पढ़ लीजिएगा फिर बात करते हैं ममुना दास को मिला है स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे देखिए आप चटनी देवी को सोशल वर्क के लिए मिला है नारायण देवनाथ को आर्ट के लिए मिला है श्रीकांत दातार को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए ये यूएसए से बिलोंग करते हैं याद रखिएगा आप और मिस दुलारी देवी को मिला है आर्ट की फील्ड में बिहार से ये नाम आप याद रखिएगा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कई सारे नाम हैं 102 नाम मैंने बताया कि 102 लोगों को मिला है श्री मंगल सिंह को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन से आसाम के हैं ये फिर मिला है पूर्णमासी जानी को आर्ट से हैं उड़ीसा के लिए सारा नाम मैं नहीं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ ये एक जो है वो डुओ वाला मिला है मतलब दो लोगों को एक साथ मिला है और इसमें है श्री महेश भाई महेश भाई और श्री नरेश भाई कनोडिया डु मतलब ये पोस्ट थॉमस मतलब कि मरणों परांत मिला है गुजरात से संबंधित है ये प्रकाश कौर को मिला है ये देखिए मिस प्रकाश कौर आपको याद रखना है सोशल वर्क से पंजाब श्री निकोलस को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन से केशव स्वामी को मिला है आर्ट से पुदुचेरी से बिलोंग करते हैं ये नाम याद रखिएगा नामदेव उसी कामले को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन से महाराष्ट्र संबंधित है ये भी उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ये मिला है श्री लाखा खान को लाखा खान जी को मिला है राजस्थान के रहने वाले हैं और आर्ट से संबंधित हैं गुलाम रसूल खान को भी आर्ट से मिला है ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है उसके बाद से आपको मिला है श्री रतन लाल को साइंस एंड इंजीनियरिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका श्री अली को मिला है ये अदर ग्रास रूट्स इनोवेशन इनोवेशन की फील्ड से मिला है इनको और ये हैं लक्षद्वीप के रहने वाले श्री रामचंद्र माझी को मिला है रामचंद्र माझी याद रखिएगा बिहार से रामचंद्र मांझी को मिला है आर्ट के क्षेत्र में उसके बाद से यहाँ पे और भी नाम है मैं बता देता हूँ दो चार नाम और बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट नाम दिखाई दे रहे हैं जैसे कि इसमें से आपको याद रखना है डॉक्टर जे एन पांडे को मेडिसिन के क्षेत्र से मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं इनको भी मरणोपरांत मिला है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये पूरे 102 का मैं लिस्ट आपको ये पूरा प्रोवाइड करा दे रहा हूँ अभी टेलीग्राम चैनल में मैं भेज दे रहा हूँ श्री चमन लाल सप्रू को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन से इंपॉर्टेंट नाम है जम्मू कश्मीर से है याद रखिएगा श्री इमरान शाह को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन से आसाम से श्री प्रेमचंद शर्मा को मिला है एग्रीकल्चर फील्ड और उत्तराखंड से भूपेंद्र कुमार सिंह याद रखिएगा मेडिसिन के फील्ड से उत्तराखंड से इनको भी पुरस्कार मिला है आगे बढ़ते हैं अगला जो नाम है वो है अर्जुन सिंह शेखावत जी का अर्जुन सिंह शेखावत को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन से राजस्थान से बिलोंग करते हैं श्री राम यत्न शुक्ला को मिला है लिटरेचर से लिटरेचर से काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं काफ़ी सारे लिटरेचर के लोगों को ये अवार्ड मिले हैं श्री करतार पारस राम सिंह को आर्ट से मिला है हिमाचल प्रदेश जितेंद्र सिंह संटी को मिला है सोशल वर्क दिल्ली से डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को मेडिसिन के फील्ड में मिला है ये बिहार के रहने वाले हैं श्री चंद्रशेखर सिंह को मिला है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो सारे नाम पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता ये नाम आपको याद रखना है मृदुला सिन्हा जी का नाम आपको याद रखना है एक सौ सात नंबर ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है मृदुला सिन्हा जी को मरणोपरांत मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए इस फील्ड के लिए और ये बिहार से बिलोंग करती थी और ये साहित्यकार थी श्री के सी शिवशंकर को मिला है आर्ट के क्षेत्र में तमिलनाडु से थे उसके बाद आपको याद रखना है श्री पी सुब्रमण्यम को ये ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज तमिलनाडु से मरणोपरांत इनको भी मिला है फादर वैलेस को मिला है फादर वैलेस जो है इनको मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन से मरणोपरांत स्पेन के रहने वाले हैं फिर आप यहाँ देखिए मिस उषा यादव को मिला है उषा यादव जी जो है ये लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड से उत्तर प्रदेश से हैं कर्नल काजी सज्जाद अली ज़ाहिर इनको मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए बांग्लादेश के रहने वाले हैं ठीक है थीके? तो ये कुछ नाम थे कपिल तिवारी जी को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं पूरा का पूरा आपको सारे नाम रखने नहीं है हाँ मैं बताता हूँ क्या आपको याद रखना है इसमें सबसे पहला चीज़ आपको याद रखना है कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला तो सात लोगों को मिला सातों का नाम याद रखना है पद्म भूषण दस लोगों को मिला इसमें से तरुण गोगोई का नाम आपको याद रखना है सुमित्रा महाजन रिपेंद्र मिश्रा रामविलास पासवान उसके अलावा केशुभाई पटेल कल्बे शादिक और तारलोचन सिंह इनका नाम आपको बिल्कुल कंठस्थ एकदम याद होना चाहिए इसमें अगर हम बात करें पद्मश्री में किसका याद रखना है तो मृदुला सिन्हा जी का तो बिल्कुल एटलीस्ट आप याद रखिएगा ही मृदुला सिन्हा जी के साथ जगदीश चौधरी जी का नाम याद रखिएगा और बाकी एक बार एटलीस्ट एक बार देख लीजिएगा बस ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है पद्म विभूषण और पद्म भूषण वाला ज़्यादा देख लीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यह वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है वहां से आप देख सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका थैंक यू सो मच